और 2 BHK का प्राइस है 24,500। 2 BHK कितना? 24,500। आप बेटर एक बार दिखाओ आपको लग जाएगा। एलेक्सा स्विच ऑफ द झूमर। ओके तो इस तरह से ये पूरा वर्क करेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हनी चिंदीरा ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नोएडा एक्सटेंशन पर फ्लैट्स, जो कि बेस्ट लोकेशन है। और साइज की बात करें 960 स्क्वायर फुट एरिया में 2 BHK का और 3 BHK जो है, तो पूरा ही आपको टूर कराना है 2 BHK का है, जिसमें फुली फिनिशिंग आपको मिलने जा रहा है। काफी अच्छा फ्लैट है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहना और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लोकेशन की भी हम निशांत जी से बात करेंगे। और बताइए निशांत जी, कैसे भैया? बस बढ़िया। और ये लोकेशन कौन सी रहेगी आपकी? ये लोकेशन रहेगी सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन, नियर ईस्ट वेनो। अच्छा। प्रोजेक्ट का नाम है द ग्रैंड मैजेस्टी। अच्छा अच्छा। इसमें 2 BHK और 3 BHK हम लोगों ने बेसिकली निकाले। अच्छा अच्छा। तो ये साइज कितना है इसका? ये साइज जो है 950 स्क्वायर फीट है। ठीक है, ये आपको हम लोगों ने एक तरह सैंपल पूरा तैयार किया, जिससे की जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ वो चीज आप प्रॉपरली देख सकते हैं। वो मिलेगी जो आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है सर। तो ये इसका जो एरिया है, ये आपका डोर डाइनिंग एरिया 10x15 का डोर डाइनिंग एरिया है। 10x15। ठीक है, अगर बात करते हैं, अगर ये वॉल पेपर आपको दिख रहा है, ये एग्जैक्टली आपको लगा के दिया जाएगा। एक बार आपने पोर्सिलिन के बारे में भी आपने बता दिया, एलईडी पैनल के बारे में भी आपने बता दिया। ये वॉशरूम जो है कॉमन वॉशरूम है? कॉमन वॉशरूम है। अच्छा अच्छा। ठीक है, इसमें जितनी भी फिटिंग्स वगैरह सारी बाथरूम की फिटिंग्स है। अच्छा, ये ऑलरेडी स्टैंडिंग लगी हुई थी, ब्रांड में ऑलरेडी अपना 4,000 का रहा होगा। अच्छा अच्छा। तो इसकी कंपनी क्या लगा है? इसका खर्चा नहीं कर रही है। अच्छा अच्छा। कंपनी सारी फिटिंग्स बाथरूम की है। वर्क तो मोस्टली काफी अच्छा करा रहा है ये वॉशरूम का भी। और हम किचन की तरफ चलते हैं, किचन भी देख सकते हैं। किचन में आपका ये जाली वगैरह आपको दिख रहे हैं, एग्जैक्टली सेम लगा के देंगे, पैनल बना के देंगे, ये पूरा पैनल बना के देंगे। प्लस ये लकड़ी का पूरा आपको बड़ा दिख रहा है देंगे। ठीक है, अगर आपने देखा हो कोई चालू काम नहीं, जैसे मैंने ये स्लाइडर बंद करा तो ये नॉर्मली अपने हिसाब से बंद हो, आराम से बनेगा। फिस्टा की आपकी चिमनी जो मैं दे रहा हूँ आपको प्रॉपरली। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, एक्वा का आपका आरओ भी आप लगा के, एक्वा वाला हाल लगा के दे रहे हैं विद डबल फिल्टर के साथ प्रॉपरली। अच्छा अच्छा। आप यहाँ पे वेंटिलेशन भी, आपका चिमनी का पाइप ऑलरेडी बाहर निकल जाएगा। अच्छा, बाहर निकल जाएगा। प्लस आप ये देखेंगे ये स्लाइडर, इसमें मैंने ना बीच में लकड़ी नहीं लगाई है, पत्थर लगाया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पे जो यूज किया है, यहाँ पे पत्थर का वर्क किया है, यहाँ पे कोई लकड़ी का यूज नहीं किया। इससे भी काफी मजबूती होती है किचन में, होता है ये मेन चीज होती है आपकी, इससे आपकी किचन काफी मजबूत होती है। और इन्होंने अलेक्सा का एक सबसे अच्छी चीज जो पूरे नोएडा एक्सटेंशन में फर्स्ट टाइम हम लोग दे रहे हैं, अच्छा, आपका होम ऑटोमेशन। अब जैसे कि आपको अपना एसी ऑन करना है, गीजर ऑन करना है, अच्छा, अपने ऐप के थ्रू आप अपना एसी गीजर लाइट वाइट बाहर से चालू कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरा, आप बैठे एक बार दिखाओ आपको लग सकते। अलेक्सा स्विच ऑफ द झूमर। ओके तो इस तरह से ये पूरा वर्क करेगा अलेक्सा। तो अलेक्सा का भी इन्होंने काफी अच्छा पॉइंट लगाया, बहुत ही अच्छा है। ये वाला ऑप्शन भी मुझे काफी अच्छा लगा दोस्तों। आप भी बताना ये आपको लगा अच्छा है नहीं लगा, कि अगर आप बाहर भी हो तो आप इससे भी अपना एसी को चालू और बंद भी कर सकते हो। और ये ये इन्होंने जो एंट्री करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, जो गेट इन्होंने दिया दोनों तरफ आप सरमाई के लगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप आइए एक बार, इसमें भी प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगा यहाँ पर। और ये फोर सीलिंग का वर्क भी इन्होंने काफी अच्छा किया है, तो इसमें भी आप अलमीरा लगा के दे रहे हो? प्रॉपर अलमीरा लगा के दिया, वो करते रहे हैं अलमीरा तो बनाते थे, बैठ के टेबल्स वगैरह नहीं रहती, लोगों को वर्क रूम घूम चल रहा है, ये प्रॉब्लम होती है। तो आप अपना लैपटॉप रखिए, ठीक है, नॉर्मली अपना सामान वगैरह रखना रख सकते हो। ठीक है, ये आप ऊपर सामान रख सकते हो, शोकेस वगैरह। सेकंड रूम दिखाओ। हाँ, ये सेकंड रूम है। जैसे कि मैंने सर बोला था आपको, सेकंड रूम में भी आपको टीवी पैनल में दे रहा हूँ,
यहाँ पे इन्होंने लगा के दिया है इसमें जो गेम फैन वगैरह बनाया और अपना शोकेस के लिए आप ऊपर कुछ रखना हो आप रख भी सकते हैं। अच्छा यहाँ पर भी आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इस रूम में भी मैं आपको अंधेरा दे रहा हूँ कॉपर में, इस स्लाइडर वाली दोस्तों आपको अगर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो यहाँ पे भी इन्होंने इसको चेंज किया है तो इसमें आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। सेम वॉलपेपर और फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग का वर्क भी आपने काफी अच्छा किया है दोस्तों। इसी के साथ मास्टर बेडरूम के साथ आपका ये अटैच वॉशरूम है। अच्छा, इसमें वॉशरूम भी आपका अटैच मिल रहा है। वॉशरूम का साइज देखिएगा सबसे बड़ा, चलो एक बार देख लेते हैं जब निशान में हो गए तो प्रॉपरली साइज है। ये आप देख सकते हो मैं भी यहाँ पे बड़ा हूँ और ये आप देखो मैंने पूरे हाथ उठाए हुए हैं, तो टैस का वर्क भी इन्होंने जो किया है काफी अच्छा किया है, काफी ऊंचे तक किया जा रहा है, बहुत ही स्पेस है इसमें। आपको वॉश बेसिन भी इन्होंने लगा के दिया है, इंग्लिश सीट भी लगा के दे रहे हैं, तो काफी अच्छा वर्क किया है वॉश बेसिन में भी आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर आपको वेंटिलेशन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक बार दिखा सकते हो, ये भी काफी अच्छे इन्होंने पॉइंट रखा है कि प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको गीजर का पॉइंट मिल जाता है, तो ये भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इधर सेटअप करा के किया है, प्लानिंग से किया है यहाँ पे किया है। अब इसकी लोकेशन के बारे में एक बार निशांत जी, लोकेशन आप बताओ थोड़ा, कस्टमर से भी पूछते हैं। लोकेशन है आपकी सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन, ठीक है, नियर एज डेवलप, ठीक है, ठीक है, ये प्रॉपर लोकेशन, प्रोजेक्ट का नाम है द गडान रजिस्ट्री। अच्छा, इसमें साइज जो आपने रखे हैं तो 2 BHK क्या कर रहे हैं? देखो 2 BHK साइज है मेरा 950 स्क्वायर फीट और 3 BHK साइज है मेरा 1300 स्क्वायर फीट। प्रॉपर 3 BHK काफी ज्यादा सोल्ड आउट हुआ है, इन्वेंट्री बची हुई है 2 BHK की मोस्टली, ठीक है, बाकी मेरे पास 3 BHK अवेलेबिलिटी है। अच्छा, तो थोड़ा प्राइस के बारे में बताओगे, प्राइस क्या है? प्राइस देखो 3 BHK का प्राइस है 36 लाख और 2 BHK का प्राइस है 24.5 लाख। 2 BHK कितना? 24.5 लाख। 24 लाख रुपए सारे सामान के साथ जो कोई नहीं दे रहा है। ये बात सर, आपने जो वर्क करा रखा वो मोस्टली काफी अच्छा वर्क, आपका फैंसी होम ऑटोमेशन हो गया, आपका झूमर हो गया, सारे रूम में पंखे हो गए, चिमनी, आरो, पंखे, लाइट, सारी चीजें मैं दे ही रहा हूँ। तो ये आपने रेट भी बता दिया, लोकेशन के बता, लोन का बताओ, लोन 80% लोन अवेलेबल है 1300 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी। 3 BHK के पास में आपकी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री सबसे ज्यादा 3 BHK की है, 2 BHK की लिमिटेड इन्वेंट्री है, 2 BHK की लिमिटेड इन्वेंट्री, क्योंकि ये सैंपल को देख के काफी ज्यादा सोल्ड आउट हुआ है। अच्छा, बचा नहीं है आपके पास? नहीं है, 2 BHK इन्वेंट्री बची हुई है 2 BHK की मोस्टली, ठीक है, बाकी मेरे पास 3 BHK अवेलेबिलिटी है। अच्छा, तो थोड़ा आप प्राइस के बारे में बताओगे, प्राइस क्या है? प्राइस देखो 3 BHK का प्राइस है 36 लाख और 2 BHK का प्राइस है 24.5 लाख। 2 BHK कितना? 24.5 लाख। 24 लाख रूपए सारे सामान के साथ, फुल्ली फर्नीचर, देख लो फिर बाद में होगा। 3 BHK में मैं आपको 3 बेडरूम दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, 2 BHK में 2 बेडरूम दे रहा हूँ जो कोई नहीं दे रहा आज की डेट। ये बात है सर, आपने जो वर्क करा रखा वो मोस्टली काफी अच्छा वर्क, आपका फैंसी होम ऑटोमेशन हो गया, आपका झूमर हो गया, सारे रूम में पंखे हो गए, चिमनी, आरो, पंखे, लाइट, सारी चीजें मैं दे ही रहा हूँ। अच्छी दे रहा हूँ सारी चीजें, तो ये आपने रेट भी बता दिया, लोकेशन के बता, और लोन का बताओ, लोन 80% लोन अवेलेबल है PNB हाउसिंग से और ICICI होम फाइनेंस, PNB हाउसिंग से, हाउसिंग से भी लोन हो जाएगा आपका। तो इंटरेस्ट क्या रहेगा? इंटरेस्ट स्टार्टिंग होगा 8.5% से स्टार्टिंग, 8.5% रहेगा ना? 8.5% हाँ जी पक्का। दोस्तों निशान जी बोल रहे हैं 8.5% रहेगा आपका इंटरेस्ट, आप कराते हैं तो देख लो बहुत ही बेस्ट मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट भी, प्रॉपर्टी आपको फ्री में मिल रही है, देख लो आप जी जी। लेकिन उसमें लेडीज के नाम पर तो 10,000 रूपए आपका लेस होगा, 10,000 लेडीज के नाम से कम हो जाएगा, इतने स्टाम्प आप कम करेंगे, ठीक है। तो जब रजिस्ट्री पक्की रजिस्ट्री होगी, पक्की रजिस्ट्री होती है तभी सर आपको लोन मिलेगा, रजिस्ट्री नहीं होती थोड़ा रजिस्ट्री हो रही है, ठीक है, ये आपको प्रॉपर्ली मिलेगी। चलो फिर तो सही, अब यहाँ पे कस्टमर आएंगे तो कुछ डिस्काउंट होगा मेरे पास? डिस्काउंट अगर आपके चैनल के थ्रू आएगा जरूर मैं डिस्काउंट प्रॉपरली, आप बता देना मेरे चैनल से आप आ रहे हो तो चीज बता देना, तो डिस्काउंट आपको देंगे, डिस्काउंट प्रॉपरली है, हाँ वो चीज आप देख लो, डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है निशान जी, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा से बात करके, आपने सब ट्रेन के बारे में बता दिया, लोकेशन के बारे में बता दिया, अभी नियरेस्ट मेट्रो भी क्या है? नियरेस्ट मेट्रो आपकी जो रनिंग मेट्रो है वो सेक्टर 52 की है, सेक्टर 52 की रनिंग मेट्रो है,
ठीक है, प्रपोज मेट्रो आपका वर्कशॉप पर आएगा, तो यहाँ से 3.5 से 4 किलोमीटर के बीच यहाँ से उसकी डिस्टेंस 4 किलोमीटर 3.5 से 4 किलोमीटर सेक्टर 52 जो है 6.5 किलोमीटर है ठीक है। और हॉस्पिटल कौन सी है? हॉस्पिटल आपका नियर बाय अथान हॉस्पिटल आ जाता है, रिक्स हॉस्पिटल आ जाता है, ये दो हॉस्पिटल सभी नियर बाय ये नियर ही है आपके आसपास। मार्केट वगैरह कोई यहाँ पे मार्केट प्रॉपरली आपका जीएस रोड मार्केट बना हुआ है, प्रॉपरली आपकी सब्जी मंडी वगैरह जो डेली यूज के सामान है वो सारे आपको मिलते हैं। वेडनेसडे और संडे को जो डेली यूज मार्केट लगता है वो भी यहाँ पर लगती है, जो बोलते हैं देसी वाला वो लगती लगती है ये सारी चीज। तो इस पे आप बताओ रजिस्ट्री में कितना खर्चा आता है? रजिस्ट्री पर 5% की स्टाम्प ड्यूटी रहती है और 1% की रसीद रहती है। 1% की रसीद रहती है। अगर लेडीज के नाम हो रहा है तो 10,000 रुपए का रिफंड रहता है। लेडीज एग्जाम्पल के तौर पर मैं देता हूँ, 20,000 रुपए का कोई फ्लैट है ठीक है, उसका 5% मतलब 6% हो 1,20,000 रुपए ठीक है, लेकिन उसमें लेडीज के नाम हो रहा है तो 10,000 रुपए आपका लेस होगा, 10,000 लेडीज के नाम से कम हो जाएगा इतने स्टाम्प आप कंपनी दें ठीक है। तो जो रजिस्ट्री पक्की रजिस्ट्री होगी वहाँ पर रजिस्ट्री होती है तभी सर आपको लोन मिलना, रजिस्ट्री नहीं होती जो थोड़ा रजिस्ट्री हो रही है ठीक है, ये आपको प्रॉपर्ली मिलेगी। चलो फिर तो सही, अब यहाँ पे कस्टमर आएंगे तो उनके ट्रेन के बारे में बता दिया, लोकेशन के बारे में बता दिया, अब नियरेस्ट मेट्रो भी क्या है? नियरेस्ट मेट्रो आपकी जो रनिंग मेट्रो है वो सेक्टर 52 की है, सेक्टर 52 की आपकी रनिंग मेट्रो है ठीक है। प्रपोज मेट्रो आपका वर्कशॉप पर आएगा, तो यहाँ से 3.5 से 4 किलोमीटर के बीच यहाँ से उसकी डिस्टेंस 4 किलोमीटर 3.5 से 4 किलोमीटर सेक्टर 52 जो है 6.5 किलोमीटर ठीक है। और हॉस्पिटल कौन सी है? हॉस्पिटल आपका नियर बाय अथान हॉस्पिटल आ जाता है, रिक्स हॉस्पिटल आ जाता है, ये दो हॉस्पिटल सभी नियर बाय ये नियर ही है आपके आसपास। मार्केट वगैरह कोई यहाँ पे मार्केट प्रॉपरली आपका जीएस रोड मार्केट बना हुआ है, प्रॉपरली आपकी सब्जी मंडी वगैरह जो डेली यूज के सामान है वो सारे आपको मिलते हैं। वेडनेसडे और संडे को जो डेली यूज मार्केट लगता है वो भी यहाँ पर लगती है, जो बोलते हैं मार्केट वहाँ पर लगती है, प्रॉपरली जो बोलते हैं देसी वाला वो लगती लगती है। चलो चलो ये सारी चीज। तो इस पे आप बताओ रजिस्ट्री में कितना खर्चा आता है? 5% की स्टाम्प ड्यूटी रहती है और 1% की रसीद रहती है। 1% की रसीद रहती है। अगर लेडीज के नाम हो रहा है तो 10,000 रुपए का रिफंड रहता है। लेडीज एग्जाम्पल के तौर पर मैं देता हूँ, 20,000 रुपए का कोई फ्लैट है ठीक है, उसका 5% मतलब 6% हो 1,20,000 रुपए ठीक है, लेकिन उसमें लेडीज के नाम हो रहा है तो 10,000 रुपए आपका लेस होगा, 10,000 लेडीज के नाम से कम हो जाएगा इतने स्टाम्प आप कंपनी दें ठीक है। तो जो रजिस्ट्री पक्की रजिस्ट्री होगी वहाँ पर रजिस्ट्री होती है तभी सर आपको लोन मिलना, रजिस्ट्री नहीं होती जो थोड़ा रजिस्ट्री हो रही है ठीक है, ये आपको प्रॉपर्ली मिलेगी। चलो फिर तो सही, अब यहाँ पे कस्टमर आएंगे तो उनके कुछ डिस्काउंट जी 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 सर बताइए कैसे हैं? जी सर सब चल रहा है, आपकी चीज चल रही है, मैं कहूँ तो बैंक वाले को लाइन पे ले लूँ, वो आपको सब बता दें क्या चल रहा है।